सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के बारे में। सो आज के शेड्यूल में आपको बताऊंगा ब्लॉगिंग के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, और यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के पेजेस के बारे में। सो यहाँ पे अभी आप देखेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है ये पेजेस के बारे में, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो कि पेजेस को क्रिएट करेंगे, कैसे जो कि यहाँ पे पेजेस बनाएंगे, और उन पेजेस में क्या क्या आप जो कि यहाँ पे राइट करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जितने भी पोस्ट हैं अभी फिलहाल देखेंगे दो ही पोस्ट हैं, और मैं बहुत जल्दी यहाँ पे पोस्ट को यहाँ पे राइट कर लेने वाला हूँ। सारे के सारे पोस्ट मैं रेडी कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं इसे कुछ इस तरीके से क्लिक करता हूँ, देखते हैं मैंने तीन कंटेंट यहाँ पे लिख रखे हैं और मैं तीन के तीन का इस्तेमाल करूँगा। फिलहाल अगर हम बात करें जैसे ये मेरा पोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है कि मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे जो पेजेस है, पेजेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और पेजेस के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जैसे आपका पोस्ट होता है उसी तरीके से ये पेजेस होते हैं, और पेजेस थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, इनका यूज़ जो है कि बिल्कुल अलग है, और पोस्ट जो देखेंगे वो पोस्ट बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पेजेस होते हैं, जैसे कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस का जो पेज होता है, जब ही हमको एडसेंस अप्रूवल यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो प्राइवेसी पॉलिसी एंड कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है यहाँ पे आप देखेंगे, तो मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ या फिर प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रिजल्ट आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी पे मैंने क्लिक किया तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख सकते हैं अभी आ रहा है, और ये पेज है एक, जैसे कि पेज आप देख सकते हैं कैसे होता है, और ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले होता है, बिल्कुल इंग्लिश में है और हमने आर्टिकल दे रहे हैं यहाँ पे हिंदी में, तो बिल्कुल ये इंग्लिश रहे या हिंदी रहे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़रूरी है इसको जनरेट करना। तो मैं इस तरह के प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे आप कहाँ से जनरेट करेंगे, किस तरीके से जो कि प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट करेंगे, क्योंकि एडसेंस जब भी आपको अप्रूवल देगा, जब आपका ये प्राइवेसी पॉलिसी रहेगा और अबाउट अस रहेगा, कॉन्टेक्ट अस रहेगा, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अबाउट अस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का भी यहाँ पे पेज देखने को मिल जाएगा। तो इनमें से जो कि ये तीनों पेज बहुत ही ज़रूरी हैं, अगर हम बात करें एडसेंस अप्रूवल के लिहाज से, अगर एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं तो ये तीनों बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस पेजेस को क्रिएट करेंगे, सिंपली हम ये न्यू पेज का टैब है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और सबसे पहले आपको पेजेस पर क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पेज पर क्लिक करना है, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना टाइटल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइटल दूंगा अबाउट अस, जैसे कि ये ज़रूरी है अगर हम बात करें इस तरह का पेज बनाना, तो हम यहाँ पर अबाउट अस लिख देते हैं, उसके बाद जो कि सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसे करेंगे पब्लिश्ड। मैं आपको कंटेंट बताऊंगा कहाँ से कंटेंट लेना है, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये अबाउट अस का हमने पेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। फिर उसके बाद हम एक और पेज क्रिएट करेंगे यहीं पे, और इसका नाम हम लेंगे जो कॉन्टेक्ट अस, और कॉन्टेक्ट हम लिख देंगे अस। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्टेक्ट अस ही लिखें, आप सिर्फ कॉन्टेक्ट भी लिखेंगे कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो कि इसे कर देंगे हम पब्लिश्ड, और पब्लिश करने के बाद जो है कि यहाँ पे देखेंगे दूसरा पेज बन के रेडी हो जाएगा, ये देख सकते हैं दो पेज बन गया। तीसरा पेज हम क्रिएट करेंगे, फिर से एक और क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कि प्राइवेसी पॉलिसी, जैसे कि यहाँ पर लेता हूँ मैं प्राइवेसी, और ये ले लिया मैंने पॉलिसी, ठीक है, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी इसे हम कर देंगे पब्लिश्ड, और पब्लिश्ड करने के बाद ये तीसरा पेज हमारा बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इन पेजेस को हमें लिंक करना होगा हमारे इस ब्लॉग में, जैसे कि ये ब्लॉग देख पा रहे हैं, अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे पेजेस कोई भी दिखाएगा नहीं, कोई भी पेजेस यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसे लिंक करना होगा। सबसे पहले तो हमें इसे लिंक करना होगा, देख सकते हैं कोई भी पेज नहीं दिखा रहा है तो ये डिस्प्ले ही नहीं करेगा, हम सबसे पहले इसे लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए क्या करना होगा, हमें जो कि इस थीम में जाना होगा, एडिट थीम में, और इसे लिंक करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमें और भी चीज़ें करनी है, यहाँ पे हमें कंटेंट लिखना है, यहाँ पे देखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी हमें जनरेट करना है। तो प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करेंगे इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से आप जो कि प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करेंगे, क्योंकि वीडियोज़ काफ़ी बड़ी होगी और उसको जनरेट करने का तरीका भी थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा। कॉन्टेक्ट अस में अगर हम बात करें तो खुद से आप लिख सकते हैं, देखिए कॉन्टेक्ट अस में मैंने क्या दिया, जैसे कि यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिखूंगा कॉन्टेक्ट अस या फिर ईमेल, यहां पे आपको लिखना है फॉर मोर। सो यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर मोर इंफॉर्मेशन, और उसके बाद क्या करना है, आपका जो भी ईमेल आईडी है, जैसे कि मेरा ईमेल आईडी है सपोज करिए, और उसके बाद जो कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे टेक्नो सूरज दे दिया, यहाँ पे @gmail कर देता हूँ, तो मेरा ओरिजिनल जीमेल आईडी नहीं है तो आपको इसके ऊपर फोकस मत करिएगा, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से कर दिया और ये कॉन्टेक्ट अस का पेज बनके रेडी हो गया, या फिर आप इसमें जो कि कॉन्टेक्ट अस का जो फॉर्म आता है उसे भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरीके से ये रेडी हो चुका है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं।
और इसी तरीके से मैं देता हूँ, ताकि ये शॉर्टकट तरीके है अगर हम बात करें, और अप्रूव भी होता है, कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे अप्रूवल के लिए। तो ये कॉन्टेक्ट अस का आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा और ये बनके रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर से पेजेस में आना है, और पेजेस में आने के बाद जो कि मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें आपको और करनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्राइवेसी पॉलिसी आपको जनरेट करना है, उसे मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे जनरेट करना है। और प्लस अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का जो हमने पेज बनाया उसको हमने दे दिया कॉन्टेक्ट अस, जिसका हमने अभी ईमेल आईडी दिया है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक और पेज यहाँ पे देखने को मिलता है अबाउट अस। तो अबाउट अस मतलब ये है कि हमारे बारे में, खुद के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। तो आप ऑब्वियसली आपको इसको खुद से लिखना पड़ेगा, इसे कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे खुद से लिखना होगा, और इसे कोशिश करिएगा अपने बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें आज तक आपने की है, या फिर जो भी आपका नाम है, जो चीज़ भी है, जो भी डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स आप इस पेजेस में आप लिखेंगे। लिखने के बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम तीनों पेज को, जो कि आने वाले वीडियो में सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद जो कि इन तीनों पेज को मैं लिंक करके, जो कि आने वाले ट्यूटोरियल में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे और भी कई सारी सेटिंग के बारे में। जैसे ये सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाती है, एक एक ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं इसके टेम्पलेट को चेंज करके आपको दिखाऊंगा, टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा, और इसको जो कि गूगल एडसेंस से अप्लाई करके दिखाऊंगा। हर एक चीज़ मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में एक एक करके जो कि बताने वाला हूं। अब आप समझ चुके होंगे किस तरीके से जो कि पेजेस को क्रिएट की जाती है, किस तरीके से हम पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, और पेजेस क्रिएट करने के बाद जो कि इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करने के लिए सिंपली हम जो कि हमारा जो भी वेबसाइट है उसमें जो कि इनका यूज़ करेंगे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे सारे के सारे पेजेस शो करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने लिंक नहीं किया है, जैसे हम लिंक कर देंगे शो करेगा, लेकिन अभी पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं वो मैंने आपको बता दिए, और इसके अंदर कंटेंट कैसे देने हैं वो मैंने आपको बता दिया, प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करना है वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और भी डिटेल्स मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएंगे, हम लेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।